ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ వెరీ పూర్ క్వాలిటీలోనే కంటిన్యూ అవుతుంది. పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యంతో ఢిల్లీ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వింటర్ సీజన్ కూడా కావడంతో పొగమంచు కమ్మేసింది. దీంతో మార్నింగ్ వాకర్స్ అవస్థలు పడుతున్నారు. ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 332గా రికార్డ్ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎయిర్ పొల్యూషన్తో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు చెప్తున్నారు ఢిల్లీ వాసులు. ఒకవైపు మంచు, మరోవైపు ఎయిర్ పొల్యూషన్తో రోగాల బారిన పడుతున్నట్లు తెలిపారు. पॉल्यूशन कंडीशन है वो दिन ब दिन वर्स होती जा रही है. अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, उन लोगों को इससे काफ़ी तकलीफ हो सकती है सांस लेने में. और हमारा हमें ये काफ़ी हद तक स्मोकिंग की तरह है. इसका इफेक्ट बच्चों पे और एल्डर्सली पे बहुत ज़्यादा होता है. इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस ले रही हैं, लेकिन वो भी अभी काफ़ी नहीं है. और गर्मियों के से ज़्यादा ये सर्दियों में इफेक्टिव होता है. मैं कहना चाहूँगी कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, यानी ये ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है. लोग सीएनजी की जगह पेट्रोल व डीजल वाली भी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह लोगों को प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए. बहुत लोग अभी ठंड है तो वो जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. और जो पंजाब से आ रहा था पराली जलाने वाला, उससे तो काफ़ी दिन हमें ब्रीदिंग में घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. हम यार रात को भी देखते हैं पोल्यूशन के में ना आसमान बिल्कुल साफ नज़र नहीं आता. और हमारे गांव में हम जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि भाई स्टार ये डिज़ाइन बनाते हैं, ये बना, हम सब कुछ देख सकते हैं.